नमस्कार, मैं ऋतिक नायक, आप देख रहे हैं SMS न्यूज। इस वक्त हम मौजूद है कलेक्ट्रेट में और आज यहाँ पर कुछ आदिवासी संगठनों ने एक ज्ञापन दिया है या कहे कि चर्चा की है SP साहब और कलेक्टर साहब से। ये चर्चा थी DJ को बंद करवाने को लेकर। दरअसल इनका कहना है कि DJ से काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, DJ समाज को बिगाड़ रहा है, आदिवासी समाज को कर्जे में डाल रहा है और साथ ही जो टपाटप जैसे गाने हैं उनसे आदिवासी संस्कृति को नुकसान पहुंच रहा है। इसके पहले कि आपको पूरी खबर बताएं, आप सुनिए JS के पदाधिकारियों को और साथ ही दूसरे बिल सेना सहित जो संगठन है उनके पदाधिकारियों को कि उनका इस पर क्या कहना है। को लेकर कोई मामला है, बात करना है कलेक्टर साहब और SP साहब से, क्या मामला है? देखो, DJ को लेकर हम लोगों ने पहले भी ज्ञापन दे चुके और अभी भी दे रहे हम कलेक्टर साहब और SP साहब से भी अवगत करा चुके पहले और अभी आज भी हम ज्ञापन के माध्यम से उनको अवगत कराना चाहते हैं कि देखो, DJ समाज के बहन बेटियों को बिगाड़ रहा है, इसलिए हम चाहते हैं समाज के बच्चों को बिगाड़ रहा है, तो हम ये चाह रहे हैं कि ये DJ प्रथा जो चल रही है यहाँ आदिवासी सांस्कृतिक वापस जो आदिवासी सांस्कृतिक विलुप्त हो रही है उसको फिर से ढोल मांदल तो वाला जो सिस्टम जो है गाँव में वो जो पुराना वही चलना चाहिए, हम ये चाह रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों ने कलेक्टर साहब और SP साहब से मिल गया, कलेक्टर साहब से मिलना है और हम चाहते हैं कि DJ प्रतिबंध हो और हम जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए। DJ के अलावा भी और किसी चीज़ पे प्रतिबंध की मांग है? शराब को लेकर भी हम लोगों ने सबको SP साहब और आपका अधिकारी उनको सबको अवगत कराया लेकिन कभी तो हो नहीं रहा था। हम चाह रहे हैं कि अगर ये प्रशासन ध्यान नहीं देता तो फिर हम लोग खुद पकड़ रहे हैं और पकड़ के इनको फिर बुलवाएंगे, कार्रवाई करवाना पड़ेगा। बिल्कुल, विजय डामर जय, जिला अध्यक्ष आवाज। आपकी जय, जोहार, जिंदाबाद, जय आदिवासी। साथियों, आज हम लोग झाबुआ जिले के समस्त आदिवासी सामाजिक संगठन के पदाधिकारी एवं आदिवासी समाज में बहुत कुछ परिवर्तन करने वाले और चिंतन मनन करने वाले, जो समाज में आज जो जिस तरीके से हमारे बीच में कुरीतियां चल रही है, जिस तरीके से हमारी संस्कृति को विलुप्त करते जा रहे हैं, ऐसे संसाधन हमारे झाबुआ, अलीराजपुर और मध्य प्रदेश में ऐसे संसाधन यहाँ पर व्याप्त हो गए हैं। आज हमारे आदिवासी समाज की जिस तरीके से शादी हो रही है, उस शादी में हमारी संस्कृति कहीं से कहीं तक नहीं दिखती और यहाँ तक कि हमारे जो गायक कलाकार है आदिवासी समाज के, वो भी नंगे नंगे गाने गा रहे हैं और समाज का अपमान और हमारी बहन बेटियों का अपमान कर रहे हैं और नंगे गाकर इस समाज को बदनाम कर रहे हैं। तो हम आज झाबुआ जिले के पूरे पदाधिकारी और मध्य प्रदेश के सभी पदाधिकारी, JS, आदिवासी एकता परिषद, आदिवासी परिवार, भील सेना और समस्त आदिवासी सामाजिक संगठन, आज हम झाबुआ जिले में कलेक्टर महोदय एवं SP साहब से मिलकर हमारी इन समस्याओं का समाधान करने के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं और हम चाहते हैं कि हमारा समाज जो आर्थिक तौर पर इतना कमजोर है और उसके बावजूद भी DJ का जो प्रचलन चल रहा है वो बहुत गलत है। जहाँ तक कि DJ का आज कम से कम 50 से 60-70 हज़ार रुपये लग रहा है, तो कुल आर्थिक तौर पे इतने कमज़ोर होते हुए हमारे समाज को ये DJ इतना कमज़ोर कर रहा है और उसके बाद में जो आदिवासियों की संस्कृति है इसके विरुद्ध जो गाने चल रहे हैं और हमारी संस्कृति, इससे बहुत कुछ नुकसान होने वाला है। और इसलिए हम चाहते हैं कि इस मध्य प्रदेश की धरती और झाबुआ जिले की धरती, पूरे झाबुआ, मध्य प्रदेश, रतलाम और रतलाम में भी बंद हो चुके हैं DJ और यहाँ तक कि हमारे जो अलीराजपुर और झाबुआ में बहुत ज़्यादा हमारे भाई DJ के ऊपर खर्च करते हैं, तो ये खर्चा बचे और हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, अच्छी पढ़ाई करवाए। हम लोग ये चाहते हैं, हमारी संस्कृति भी बची रहे, ये हम लोग चाहते हैं। तो आज हम लोग पूरे मध्य प्रदेश के आदिवासी सामाजिक संगठन के पदाधिकारी यहाँ पर झाबुआ में उपस्थित होकर कलेक्टर महोदय से एक निवेदन करने आए हैं कि ये इस तरीके की जो प्रचलन चल रहा है उसके ऊपर पूर्ण तरह से रोकथाम की जाए, प्रतिबंधित की जाए, ये हम लोग निवेदन करने आए हैं। यही आपसे हम लोग भी मीडिया और सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी ये निवेदन करते हैं कि हमारी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनलों में भी चलाएं और
जहाँ तक हो सकता है प्रिंट मीडिया में वहाँ पे भी हमारा सहयोग कर, हमारे भाइयों को जो कुरीति की ओर जा रहे हैं और आर्थिक तौर से कमजोर होते जा रहे हैं, और हमारे बच्चों की जो शिक्षा खत्म हो जा रही, पढ़ने का समय नहीं मिल रहा, आज परीक्षाएं चल रही है, 11वीं 12वीं की परीक्षाएं चालू हो रही, लेकिन स्कूल के पास में ही डीजे बज रहे, तो किस तरीके से हमारे बच्चे परीक्षाएं देंगे? तो ये हमारी समाज की भी कमजोरी है और समाज को सुधरना भी चाहिए, और समाज के चुपचिंतक और स्मरण शक्ति वाले सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो ये कुछ परिवर्तन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और आज हम लोग कलेक्टर साहब से मिलेंगे और बात करेंगे, और पूरे मध्य प्रदेश के झाबुआ जिला अलीराजपुर में हम लोग डीजे पर प्रतिबंध लगवाएंगे, जो गलत गाने गा रहे हैं समाज के ऊपर उसको भी बंद करवाएंगे, और यहाँ तक कि हमारे जो समाज के हमारे भाई लोग हैं जो लड़की का दहेज के नाम से कई लाखों रुपए में मांगते, अरे हमारी बेटी है, हमारा बेटी हमने पैदा करी, हमने बेचने के लिए थोड़ी, हमारी बेटी का जितना कम पैसे में आप खाली, हमारा जो दहेज प्रथा है हमारे आदिवासी समाज की जो प्रथा के अनुसार जो लेना है वो कम से कम पैसे लेके और उसकी शादी बड़ी धूमधाम से करें, जितनी चांदी कम से कम चांदी 1 किलो ले लो, 50,000 रुपए ले लो, उसकी शादी बड़ी धूमधाम से करो और उसको बड़ौदा गोधरा सूरत जाने से बचाओ और हमारी बहन बेटी को बचाओ। मैं समाज से, आदिवासी समाज से ये निवेदन करता हूँ कि इस तरीके के सारे कारनामे बंद करो और हमारी बेटियों को अच्छी शिक्षा दो, अच्छी तरीके से पढ़ाने के लिए आगे करो। यही सबको जोहार, धन्यवाद, जिंदाबाद। तो आपने सुना कि इन संगठन के पदाधिकारियों का क्या कहना है? उनका कहना है कि समाज में जो व्याप्त बुराई है उनके खिलाफ ये एक लड़ाई लड़ रहे हैं, एक पहल कर रहे हैं जिसके अनुसार समाज में शादी में दहेज को कम किया जाए, समाज में डीजे को प्रतिबंधित किया जाए, अंग्रेजी शराब जो है जो कि काफ़ी खतरनाक साबित हो रही है युवाओं के लिए, उसको भी बंद किया जाए। इस तरीके से इनकी कुछ और मांगे भी हैं जिसको लेकर आज यहाँ पहुँचे हैं। दरअसल ये पूरा का पूरा जो संगठन है या जो अन्य संगठन भी है, ये साथ मिलकर पहली बार इस तरीके से एक मंच पर नज़र आ रहे हैं, तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इनकी जो पहल है कितनी कारगर साबित होती है। इसके पहले भी कई बार ऐसे कदम उठाए गए हैं लेकिन कुछ समय के बाद ये ठंडे हो जाते हैं या कहे कि ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हैं, तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या सच में इस बार ये संगठन मिलकर समाज में फैली व्याप्त कुरीतियों को दूर कर पाएंगे या एक बार फिर से पहले ही की तरह कुछ समय में ये सब ठंडा हो जाएगा। फिलहाल जो भी हो, अभी के लिए आपको बता दे कि इन्होंने एसपी साहब और कलेक्टर साहब से डीजे को प्रतिबंधित करने की मांग की है और साथ ही टपाटप जैसे और अश्लील गाने जो समाज पर बन रहे हैं उन लोगों पर एफआईआर करने की भी बात चल रही है। तो आपको क्या लगता है, डीजे बंद होना चाहिए यानी दहेज कितना होना चाहिए, शादियों में शराब को लेकर आप क्या कहते हैं, अंग्रेजी शराब को लेकर? सब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसी सारी खबरें आप तक पहुँचती रहे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।